एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिताली ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। तो फ्रेंड, आज मैं अपना कुछ ईयर रिंग कलेक्शन लेके आई हूँ जो मैंने कल ही लिया है, नया लिया है। वैसे तो बहुत सारे ईयर रिंग कलेक्शन है बट सारे अब पुराने हो चुके हैं, तो मैंने अपने लिए कुछ न्यू ईयर रिंग लिए हैं। और इस बार जो है मैंने कुछ यूनिक ही लिया है, मतलब इससे पहले इस टाइप का बहुत ही कम लिया है। तो अपने लिए मैंने बहुत बड़े बड़े बिग साइज़ में ईयर रिंग लिए हैं, जो भी बहुत थोड़ा बहुत लिया है। तो मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूं। ऑफ कोर्स बहनों के साथ कुछ भाई लोग भी होंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत टिप्स मिल जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए गिफ्ट, या फिर अगर जो मैरिड भाई है अपनी वाइफ को देने के लिए। तो मैंने अपना फर्स्ट ईयर रिंग, तो ये आप देख सकते हो, पास से देख लो कैमरे के, ये गोल्ड फिनिशिंग में है। और ये देखने में ना, सच बता रही हूँ, देखने में ऐसा लगेगा कि कितना हैवी है, बट ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है। ये पीछे से बिल्कुल खाली है और बहुत ज़्यादा ही हल्का है। और ये मैंने ईयर रिंग लिया है ख़ास करके टॉप के साथ पहनने के लिए। आगे आपको पता है ये दुर्गा पूजा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना होगा, यहाँ वहाँ जाना होगा, तो इसलिए टॉप वगैरह में इस बार साड़ी वगैरह कम ही पहनूंगी, ज़्यादा मैं जीन्स टॉप वगैरह ही पहनूंगी। तो उसके लिए मैंने ये लाइट वेट, बहुत ही हल्का है, ये हल्का वेट का गोल्डन ईयर रिंग लिया है। और सेकंड मैं आपको दिखा रही हूँ, सेकंड मैंने ये लिया है, इन जो है ये मैंने पल्स का लिया है और ये प्लास्टिक का है। और ये देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा होगा बट ये भी ज़्यादा हैवी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर लुक आएगा। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ एक। आप इसको सूट सलवार पहन रहे हो या फिर साड़ी पहन रहे हो या फिर टॉप पहन रहे हो, हर एक के साथ आप पहन सकते हो। बहुत ही हल्का है और बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल लगेगा। तो मैंने इस टाइप के जो ईयर रिंग है पहले ट्राई नहीं किया, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हो टॉप के साथ कैसा लग रहा है। मैं दोनों कानों में पहन के दिखाऊंगी, दोनों कानों में पहन के दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो देखिए कैसा लग रहा है, बहुत हैवी, मतलब बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है बट ठीक है, कंफर्टेबल। जब आप खुले बाल करोगे तो खुले बाल के साथ इसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। और मैं तो खुले वाली ज़्यादा करके रखती हूँ, अगर दिन में कभी घूमने जाना होता है तो खुले वाली ज़्यादा करती हूँ। इसका एक मोती निकल गया, मैं बाद में लगा लूँगी। अब मैं आपको थर्ड दिखाती हूँ। थर्ड मैंने थोड़ा लॉन्ग झुमके टाइप में लिया है, मतलब थोड़ा झुमका वाला लुक भी आ रहा है और थोड़ा वन है, क्योंकि ये देख सकते हो ये ऊपर गोल वाली बनी हुई है और नीचे से ये लटक रहा है। और इसको चांद बोलते हैं क्योंकि ये कुछ चांद शेप में होता है। और ये वाली भी बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। आप ब्लू कलर का सलवार, पटियाला सलवार पहन रहे हो या फिर ब्लू कलर की साड़ी पहन रहे हो, उसके साथ अगर ये झुमके पहनो तो आपकी खूबसूरती में चार चांद चलने वाला है। तो ये मैं ऐसी पहन के दिखा देती हूँ क्योंकि एक एक खोल के ट्राई करके दिखाओगे बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो कुछ इस टाइप का लुक आएगा और सच में बहुत ही प्यारा लुक आएगा। मैं जब इसको कल लाई थी तो मैंने पहन के देख लिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और थर्ड मैंने दिखा दिया है, मैं आपको फोर्थ ईयर से दिखा रही हूँ, अपना चौथा वाला दिखा रही हूँ। ये भी मैंने एक हल्का लाइट वेट ही लिया है। जो भी ईयर रिंग लिया ना, जब मैंने सारे बड़े बड़े लिए क्योंकि छोटा छोटा मेरे पास इतना सारा इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो ये सिल्वर कलर की है और बीच में ये शाइनी सिल्वर का ये शायद कुछ चिपकाया हुआ है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। इसको आप टॉप वगैरह के साथ पहन सकते हो और बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपका। ये मैंने पहना भी था, ये मैं पहन के, ये टॉप वगैरह पहन के मैं गई थी आज अंशिका दरकार बनवाना चाहिए हूँ मैं, वो भी बता दूँ। तो अंशिका दरकार बन गया है तो 3 दिन बाद उसका मिल जाएगा दरकार। ये देखो, ये मैंने पहन के दिखा दिया क्योंकि इसको जल्दी से उतार भी सकते हैं। ये मेरा चौथा ईयर रिंग था।
अब मैं आपको पास्ता दिखाती हूँ। पास्ता थोड़ा सा अलग है, हटके डिजाइन है, एक झुमका टाइप का है। और है पास्ता लिखा हुआ तो इसकी जो मोती है उसका शाइन बहुत आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, इधर से देख सकते हो आप। तो ये भी जो है बहुत ही लाइट वेट है, मतलब इसको देख के लगेगा ही नहीं कि ये इतना हल्का है। बहुत ज़्यादा हल्का है और बहुत कंफर्टेबल भी है। और ये आगे पीछे हर जगह पे जो है इतनी मोटी लगी हुई है, आप देख सकते हो। और ये देखो स्टोन, और ये बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको साड़ी वगैरह के साथ पहन सकते हो, और मैं इसको साड़ी के साथ ही पहनूंगी। और इस मैंने झुमका लिया है, मतलब ये वाला जो है मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ में लिया, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा, बिल्कुल मीडियम साइज़ में लिया है। और ये सिल्वर कलर में है, जो आजकल आपको पता ही है क्रिस्टल ज्वेलरी चल रही है सिल्वर कलर की, उसी का लिया है मैंने ये। देखो फ्रेंड्स, और इसके नीचे जो है ये रंग बिरंगे, मतलब छोटे छोटे मोती लगी है, मतलब हाँ आप ना को हर एक कलर की ड्रेस के साथ पहन सकते हो। सलवार सूट हो टॉप के साथ ये थोड़ा अलग लुक आएगा, बट आप इसको साड़ी के साथ और सलवार सूट के साथ पहन सकते हो, अच्छा लुक आएगा। तो हो गए आई थिंक मैंने 6 ईयरिंग लिए थे, तो मैंने दिखा दिया है। तो ये कुछ ईयरिंग कलेक्शन था जो मैंने दिखा दिया है। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने घर में पहनने के लिए, नॉर्मली घर में पहनने के लिए, या फिर कभी आप मार्केट वगैरह चले जाओ तो वहाँ जाने के लिए छोटा छोटा 2 मंगलसूत्र लिया है, ठीक है। ऐसे इस टाइप के मंगलसूत्र मैं बता दूँ बहुत है मेरे पास, 2-3, 3-4-5-6 होंगे, छोटा छोटा स्टोन लगा हुआ, मोती लगा हुआ, बट सबका डिज़ाइन अलग है, बट सेम चीज़ है, छोटा छोटा है, सेम चीज़ है गोल्डन में। तो एक ही मैंने ये लिया है, एक मैंने ये लिया है, मेरे पास इस टाइप का नहीं था, तो मुझे ये जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा लगा था लॉकेट के साथ, तो मैंने इसलिए लिया है। और ये थोड़ा कुछ अलग भी था, ये थोड़ा चेन में भी था और बीच बीच में मोती भी था, ब्लैक ब्लैक कलर का, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ये लिया है। और सेकेंड मैंने लिया है इस टाइप का, मैं बहुत पहन चुकी हूँ, बट मतलब पहन चुकी हूँ, कलर छूट जाता है फिर फेंक देते हैं, फिर मैं लेके आती हूँ दोबारा वापस से पहनती हूँ, फिर कलर छूट जाता है कुछ महीनों बाद, फिर मैं फेंक देती हूँ, फिर से लेके आई हूँ और इसको मैं पहनूँगी। और मतलब इस टाइप का जो है ना, मेरा मन ही नहीं भरता, ये मैंने हमेशा स्टार्टिंग से इस टाइप का मंगलसूत्र पहना है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है क्योंकि छोटा सा होता है, लाइट वेट होता है, आपको पता होता है कि मतलब कहीं जल्दी से आने जाने के लिए लाइट वेट कुछ भी पहन लो तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो यही था मेरा ईयरिंग कलेक्शन, और 2 मंगलसूत्र लिए थे मैंने, आपको दिखा दिया। तो बस यही था, बताओ कैसा लगा मेरा जो मैंने जो झुमके वाली जो भी लिया है, तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आए हो, मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे एक बेल आइकन आ रही होगी ना उसको दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक आ सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, बाय बाय एंड गुड नाइट।